गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने ज्ञान सागर का फोर्थ चैप्टर रिवाइज कर लिए। आज हम अभ्यास सागर के फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसमें टॉपिक क्या है, पहले ही संयुक्त व्यंजन एवं उच्चारण। संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन से होते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यंजन व्यंजनों का संयोग होता है या मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसमें पहला जो व्यंजन होता है वह स्वर के रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होगा। वैसे ही बेटा तीन व्यंजनों में भी ऐसा ही होगा, दो व्यंजन स्वर रहित होंगे और तीसरा जो है स्वर सहित होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊपर दी गई पंक्तियों में उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें कोई भी एक व्यंजन बिना किसी स्वर के हो। अब देखो, प्यारा, खट्टी मिठी, न्यारी, त्योहार, कवार, छुट्टी। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में मोटे काले वर्णों के बारे में बताइए कि उनमें किस स्वर का प्रयोग हुआ है। देश, द और ए, इसमें ए की मात्रा लगी हुई है तो इसमें ए। प्रति, त और ई, छोटी ई की मात्रा है तो यहां छोटी ई आएगी। बोलो, ब और ओ, ओ क्या, ओ की उच्चारण हो रहा है, ओ की साउंड आ रही है तो यहाँ पे ओ। ब जो है आपका हाफ होगा और ओ हाफ आप लिख नहीं सकते तो आपने क्या करना है, हलंत लगाना है इसके नीचे। नाते, त और ए। अन्याय, य और आ। मिलजुल, ज और ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ आपका, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उनमें संयुक्त व्यंजनों के नीचे रेखा खींचिए, साथ ही यह भी बताइए कि इनमें दो व्यंजन का संयोग है अथवा तीन व्यंजनों का। उन्हें, इनमें कितने व्यंजनों का संयोग है, दो, न और ह। नमस्कार, स और क, दो व्यंजनों का। उज्ज्वल, इनमें तीन व्यंजनों का संयोग हो रहा है, कैसे, दो व्यंजन यहाँ पे ज जो है वो हाफ है और व के साथ जुड़े हुए हैं तो तीसरा वो आ गया आपके पास। पुस्तक, दो। ज्योत्सना, अगर ज और यो को देखें तो दो है बेटा। त, स, न, अगर इनको देखें तो तीन व्यंजन है, दोनों आ जाएंगे, दो और स्लैश करके आप तीन लिख दीजिए। ख्याति, ख और य, दो। नेक्स्ट है बेटा, नीचे कुछ संयुक्त व्यंजनों के पुराने नए दोनों रूप दिए गए हैं, एक मानक रूप है एक पुराना रूप है। पुराने रूप के अनुसार एक एक उदाहरण भी दिया गया है, आप नए रूप का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द और लिखिए, जैसे विद्या, विद्यार्थी, द्वार, द्वारपाल, शुद्ध, अर्धवार्षिक, मिट्टी, पट्टी, पत्ता, उत्तर, उद्देश्य, गद्दार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका सिक्स, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदलकर लिखिए, यदि ये आपका पौराणिक रूप है, प्राचीन रूप है जो पहले हम लिखा करते थे, अब ये जो है आपका ये मानक रूप है, हैं दोनों ही रूप इसके सही हैं, बट इसका प्रचलन अब ज्यादा किया जाता है। यद्यपि, यद्यपि, लड्डू, लड्डू, ब्राह्मण, ब्राह्मण, गड्ढा, गड्ढा, चिन, चिन, चिट्ठी, चिट्ठी। नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। बेटा वर्णमाला तो सभी को ही आती है, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, LKG UKG से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये वर्णमाला आपके पास वर्ग दिए गए हैं, ये आपने पूरी लिखनी है यहां तक। क, ख, घ, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कौन किसके वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं वो सारे आपने लिखने हैं, यहाँ पे आपके पास बनाया भी गया है, पहला वर्ण कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, वो सारा आपने प तक लिखना है। जो स्पर्श व्यंजन है वो सारे लिखने हैं आपने, स्पर्श होते हैं जो आपकी मुंह के साथ टच हो रहे हैं,
ठीक है, स्पर्श व्यंजन वो हुए आपके 25 हैं, 25 के 25 आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आया बेटा यहाँ पे, अब अपनी हथेली को पलट कर उल्टा कीजिए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिनके जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम कम हवा का प्रयोग होता है या कम समय लगता है उनको हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। और महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है या अधिक हवा का प्रवाह होता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। वही चीज इसमें बताई गई है कि आपने खुद एक्टिविटी करके देखना है ये कैसे। जैसे अब ऊपर लिखी हुई वर्णमाला वर्णों को क्रम से बोलिए, महसूस कीजिए और लिखिए कि प्रत्येक वर्ग के किन वर्णों को बोलते समय हवा कम निकलती है और किन वर्णों को बोलते समय हवा अपेक्षाकृत अधिक निकलती है। वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई, आपने हथेली लेनी है, अपने मुंह के पास ले जानी है और उसमें आपने एक्सपेरिमेंट करना है। क के जैसे क को हम बोलते हैं, क को बोलेंगे तो क्या होगा? हथेली को लगाना है कि कितनी हवा निकल रही है हमारे मुंह से, तो यहाँ पे क्या आएगा? कम। अब नेक्स्ट है ख, इसमें देखना है ख बोलने में हमारा क्या है, ज्यादा हवा का प्रयोग हो रहा है तो अधिक हवा। वैसे ही आपने ये सारे वर्ण करने हैं, ये आपके करने की खुद एक्टिविटी है, खुद कीजिए और देखिए कि किस वर्ड में ज्यादा हवा आ रही है किस में कम आ रही है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जो पांचवा वर्ण जो आपका होता है उसमें कम हवा का प्रयोग होता है और फर्स्ट वर्ण में भी आपके कम, क्योंकि अल्प प्राण में पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। मैंने आपको क्ल्यू दे दिया कि किस में हवा कम निकलेगी किस में ज्यादा निकलेगी, पहले वर्ण में दूसरे सॉरी पहला तीसरा पांचवा, ये अल्प प्राण वर्ग की कैटेगरी में आएगा और दूसरा और चौथा महाप्राण की। नेक्स्ट बेटा हम कल करेंगे जो बच गया। धन्यवाद।